सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर दिया है। फ्लोर टेस्ट में शिंदे के पास होते ही शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे ने जीता विश्वास मत। ठाकरे परिवार के हाथ से जाएगी शिवसेना। आदित्य ठाकरे की विधायकी भी खतरे में। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे भाजपा सरकार ने विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। शिंदे सरकार के समर्थन में 164 वोट पड़े, जिसमें से स्पीकर का वोट काउंट नहीं किया गया था, जिससे वोटों का आंकड़ा 165 हो जाता। तो उधर उद्धव गुट की शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा के महाविकास आधारित गठबंधन के पक्ष में 99 वोट पड़े। सदन में मौजूद 3 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इस फ्लोर टेस्ट में उद्धव ठाकरे गुट के हाथ निराशा लगी है, तो वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव गुट के 2 और विधायक शिंदे खेमे में शामिल हो गए। गौरतलब है कि शिंदे सरकार में भाजपा भी शामिल है, जिसके 106 विधायक हैं। इसके अलावा शिंदे गुट में शिवसेना के 40 बागी विधायक शामिल थे। कुछ निर्दलीय और छोटे दलों ने भी शिंदे सरकार का समर्थन किया, तो वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव गुट के 2 और विधायक शिंदे खेमे में शामिल हो गए। दरअसल करम नूरी ने शिवसेना विधायक संतोष बांगड़ के शिंदे सरकार का समर्थन किया और विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दौरान एकनाथ शिंदे खेमे में चले गए। तो वहीं लोहा में शिवसेना विधायक श्याम सुंदर शिंदे विश्वास मत से ठीक पहले एकनाथ शिंदे समूह में शामिल हो गए। इन दोनों विधायकों के शिंदे गुट में चले जाने के बाद उद्धव ठाकरे के खेमे में अब सिर्फ 14 विधायक बचे हैं। दरअसल विश्वास मत पर वोटिंग से एक दिन पहले उद्धव ठाकरे गुट को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब महाराष्ट्र विधानसभा के नवनियुक्त अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में अजय चौधरी की नियुक्ति को खारिज कर दिया। स्पीकर राहुल नार्वेकर के कार्यालय द्वारा जारी किए पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में बहाल किया गया। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के सुनील प्रभु को हटाकर शिंदे खेमे में भरत गोगावले को शिवसेना का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया। उद्धव गुट ने स्पीकर के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। फिलहाल फ्लोर टेस्ट में शिंदे के पास होते ही ये तय हो गया कि अब शिंदे सरकार आगे बरकरार रहेगी। फ्लोर टेस्ट में शिंदे के पास होते ही शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गईं। उद्धव ठाकरे के हाथ से विधायक तो चले ही गए, अब पार्टी भी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता तो चली गई है, वहीं अब शिवसेना के जाने का भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है। साथ ही साथ बेटे के भविष्य का भी डर उन्हें सता ही रहा है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।